अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी। ये चटनी बहुत डिलीशियस होती है, जिसे घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं कच्चे आम आधा किलो। मैंने आम का छिलका उतार कर इन्हें स्लाइस में काट लिया था। मैंने बारीक स्लाइस में काटा था। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसमें काट सकते हैं। मैंने एक आम आपको दिखाने के लिए रख लिया था। आम को दरमियान में से काट कर इसका बीज निकाल लें। और अब इसे स्लाइस में काट लें, या जैसे आपको पसंद हो आप वैसे आम काट सकते हैं। मुझे बारीक स्लाइसेस में पसंद है, इसलिए मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा है। आम की चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है राई आधा चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चम्मच, काला नमक एक चाय का चम्मच, सिरका आधा कप, कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, सौंफ आधा चाय का चम्मच और चीनी 2 कप। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद ना हो तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आम ज़्यादा खट्टे हैं इसलिए मैं ज़्यादा चीनी यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने एक पैन में 3 खाने के चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं और आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी है। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें कलौंजी ऐड करूँगी, साथ ही सौंफ और राई भी ऐड कर दूँगी। अब मैं 1 से 2 मिनट मसालों को फ्राई करूँगी। मसाले फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें स्लाइस किए हुए आम भी ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 कप पानी के ऐड करूँगी। और उबाल आने पर ढककर पकाऊँगी। मैं हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक आम गल ना जाए। आम गल चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने पहले जो पानी डाला था वो तो ड्राई हो चुका है, तो अब हमने इसमें चीनी भी ऐड करनी है, तो उसके लिए पानी डालना ज़रूरी है ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं कुटी काली मिर्च ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करके काला नमक भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और 10 मिनट तक मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और चटनी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और आम की चटनी गाढ़ी हो गई है और चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं सिरका डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। आम की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी तैयार है। आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। इस चटनी को बनाकर फ्रिज में कई दिन तक
सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे मेरी किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर से एक न्यू वीडियो और अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।